हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया लेसन में से प्रश्न 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, और दूसरा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो ये दो प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यदि आपने मेरा ये चैनल जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं वीडियो। मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया के लेसन में से प्रश्न 19वीं सदी में भारत में जनता गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ, और दूसरा मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो पहला पॉइंट आता है, पहला प्रश्न बनता है 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। उत्तर है 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें बेची जा रही थी। जो 19वीं शताब्दी थी उसमें जो मद्रास था उसके शहरों में बहुत सी सस्ती किताबें भेजी जा रही थी, जो लोग थे वो उनकी पहुंच में आ गई थी, सस्ती होने के कारण वो खरीद लेते थे और उनको पढ़ते थे, जिसके चलते गरीब लोग भी बाज़ार से पुस्तकें खरीद कर पढ़ने लगे थे। वे सस्ती पुस्तकें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। 20वीं शताब्दी में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, सार्वजनिक मतलब लोगों के लिए जगह जगह पर पुस्तकालय खोलने लगे थे। जो बड़े बड़े अमीर लोग थे वो पुस्तकालय खोलने में अपनी शान समझते थे, जिससे किताबें उनकी पहुंच बहुत बढ़ गई। ये पुस्तकालय प्रायः शहरों में समृद्ध गांवों में होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी। बेंगलोर के सूती मिल मजदूरों ने स्वयं को शिक्षित करने के लिए क्या किया, पुस्तकालय बनाए, जिनकी प्रेरणा उन्हें बॉम्बे के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयत्नों को संरक्षण दिया, मतलब जो समाज सुधारक थे उन्होंने लोगों को किताबें पढ़ने के लिए या पुस्तकालय खोलने के लिए बहुत सा बल दिया, बहुत कुछ समझाया। उनका मानना था कि मजदूरों की के बीच नशाखोरी कम हो, उनमें साक्षरता मतलब पढ़े लिखे हों और उन तक राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो 19वीं सदी में भारत में जो गरीब जनता थी उस पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। अब आता है दूसरा प्रश्न, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो उत्तर है इसका, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत मदद की, जिसका हम वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो नंबर एक, 1870 के दशक तक पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए कार्टून छपने लगे थे। कुछ में शिक्षित भारतीयों की पश्चिमी पोशाक व पश्चिमी अभिरुचियों का मजाक उड़ाया गया, कुछ अन्य में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक भय देखा गया। साम्राज्यवादी व्यंग चित्रों में राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाया जाता था। तो राष्ट्रवादी भी साम्राज्यवादी सत्ता पर चोट करने से पीछे नहीं रहे, मतलब कि मुद्रण संस्कृति से क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी थे, जो राष्ट्र के प्रति जिनका लगाव था, वो साम्राज्यवादी सत्ता के विपक्ष में बोलते थे और जो साम्राज्यवादी सत्ता थी वो व्यंग चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ाते थे। दूसरा आता है, मुद्रण ने समुदाय के बीच केवल मत मतांतर उत्पन्न नहीं किए बल्कि इसने समुदायों को जोड़ने का काम भी किया। समाचार पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार पहुंचाते थे, जिससे अखिल भारतीय पहचान उभरती थी, मतलब एक जगह का समाचार अनंतर जगह पर पढ़ने पर उन लोगों को भी उसकी जानकारी मिलती थी। तीसरा आता है, कई पुस्तकालय भी मिल मजदूरों तथा अन्य लोगों द्वारा स्थापित किए गए ताकि वे स्वयं को शिक्षित कर सकें, इससे राष्ट्रवाद का संदेश फैलाने में मदद मिली। चौथा पॉइंट आता है, दमनकारी कदमों के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार भारत के कई संपल्लवित हुए, पल्लवित मतलब उनको लगाया गया, उनको बनाया गया, वे अंग्रेजी शासन का विरोध करते हुए राष्ट्रवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।